20 तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। चीनी कंपनी शाओमी पर भारत में बड़ी कार्रवाई हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शाओमी इंडिया की करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। शाओमी ने ऐसा क्या किया कि उसके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन हो गया है, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। रेडमी और एमआई जैसी पॉपुलर मोबाइल फोन ब्रांड बनाने वाली चीन की कंपनी शाओमी की करीब 5551 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। ईडी कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फेमा के उल्लंघन से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। कंपनी की ये रकम कई अलग अलग बैंकों में जमा थी। कंपनी पर फेमा के उल्लंघन के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। शाओमी इंडिया ने 2014 में भारत में काम करना शुरू किया था। ये चीन की प्रमुख मोबाइल कंपनी शाओमी के पूर्ण मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी है। शाओमी इंडिया ने 2015 से अपनी पेरेंट कंपनी को पैसा भेजना शुरू किया। जांच में सामने आया कि कंपनी विदेशी कंपनियों को कुल 5551.27 करोड़ रुपए भेज चुकी है। ईडी का कहना है कि शाओमी इंडिया ने इतनी बड़ी राशि रॉयल्टी चुकाने के आड़ में भेजी है। इसमें एक विदेशी कंपनी शाओमी समूह की है, जबकि बाकी दो कंपनियां अमेरिका की हैं। लेकिन इनका भी आखिरी लाभ शाओमी की कंपनियों को ही मिल रहा है। समूह की भारतीय इकाइयों ने चीनी पेरेंट कंपनी के कहने पर ये राशि इन कंपनियों को ट्रांसफर की है। ईडी ने अपने बयान में कहा है कि शाओमी इंडिया पर भारत में ही मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों से पूरी तरह बने हुए हैंडसेट की खरीदारी करती है। कंपनी ने विदेश में काम करने वाली इन तीनों कंपनियों की कोई सर्विस ली ही नहीं है, जिसके नाम पर उसने उन्हें रुपए ट्रांसफर किए हैं। कंपनी ने कई फर्जी दस्तावेज बनाकर रॉयल्टी के नाम पर यह राशि भेजी है, जो फेमा की धारा 4 का उल्लंघन है। फेमा की धारा 4 विदेशी मुद्रा की होल्डिंग से जुड़ी है। ईडी का कहना है कि इसके अलावा कंपनी ने विदेश में राशि भेजने के दौरान बैंक को कई भ्रामक जानकारियां दी हैं। इससे पहले ईडी ने इस महीने की शुरुआत में शाओमी के पूर्व इंडिया हेड मनु कुमार जैन को समन भेजा था और उनसे पूछताछ की थी। ईडी कंपनी के भारत में कामकाज करने के तरीके को लेकर फरवरी से जांच कर रही है। फरवरी में जांच एजेंसी ने कंपनी को नोटिस भेजकर कई दस्तावेज की मांग की थी। अभी कहा जा रहा है कि पूरी जांच के बाद शाओमी इंडिया के खिलाफ आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। आगे की जानकारियों के लिए बने रहें विस्तक के साथ।